वेलकम टू क्रिएटिव योगा। क्रिएटिव योगा में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज हम लोग करेंगे योगा। योगा से भी हम लोग अपने वेट लॉस पर कम कर सकते हैं और फैट भी कम कर सकते हैं पूरा बॉडी का। तो कुछ कुछ मैं ऐसे इजी आसन बताऊंगी जिससे कि हम लोग डेली अगर हम लोग करेंगे अपनी लाइफ में तो हमारा वेट जरूर कम होगा। तो नंबर वन हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले करेंगे हस्त पादुत्तानासन। इनहेल आप हाथ को हम लोग ऊपर करेंगे पूरा और एक्सहेल तारते हुए हम लोग पूरा बॉडी को डाउन करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग एक्सरसाइज जो भी हम लोग आसन करें उसका हम लोग को 30 सेकंड रिपीटेशन करना है और उसको 30 सेकंड हम लोग होल्ड करके रखेंगे। जो बिगनर है वो नहीं कर पा रहे वो 20 सेकंड होल्ड करेगा और जो थोड़े से एडवांस है जो यूज्ड टू है योगा करने में तो वो 30 सेकंड होल्ड करेगा। नाउ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। इन्हेल करते हुए हम लोग वापस जैसे गए थे वैसे आएंगे। ये हो गया हम लोग का नंबर वन। इसका 30 सेकंड तक होल्ड कीजिएगा। अब नंबर टू करेंगे कोणासन। कोणासन में पूरा हाथ को इन्हेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और बॉडी हमारा थोड़ा सा गैप होगा हल्का सा और बॉडी को टिल्ट करेंगे। ये हमारे साइड इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैं आपको 15 करके दिखाई हूँ। आप चाहो तो इसको 20 और 30 होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स इनहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। इसका भी हम लोग दोनों साइड से 20-20 का रिपीटेशन करेंगे और दो बार इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। अब नंबर थ्री होगा हम लोग का। हम लोग बैठ के करेंगे। ये सब बेसिक आसन पश्चिमोत्तानासन। इनहेल करते हुए हाथ को आप और अपने चेस्ट को बाहर निकालते हुए एक्सहेल करते हुए पूरा बॉडी को खींचते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इसका भी हम लोग 20 से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। हमारा नंबर थ्री। अब नंबर फोर जनुशीलासन। एक लेग को फोल्ड करेंगे। मैं आपको इस तरह टेंशन दिखाती हूँ। एक लेग को हम लोग फोल्ड करेंगे इसको और एक को सीधा। इसमें भी हम लोग इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए पूरे अपने नोज को अपने नी पे टच करने का ट्राई करेंगे। जो बिगनर्स है अगर उनका नहीं हो रहा तो वो ऐसे भी कर सकते हैं और लग रहा है कि कंफर्टेबल है डाउन होने में तो इजीली अपने आप को डाउन करके इसको भी आप लोग 20 सेकंड होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे और इनहेल करते हुए हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे। ये हमने राइट लेग से किया, सेम टू सेम हम लोग करेंगे लेफ्ट लेग से। इसमें सेम करेंगे, इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन एंड होल्ड। इधर भी हम लोग 20 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Inhale up. योगी हम लोग का नंबर 4, नंबर 5 में हम लोग करेंगे अब वक्रासन। वक्रासन में क्या करेंगे, एक लेग को फोल्ड करेंगे और एक लेग को हम लोग अपना सीधा करेंगे और जस्ट अपने लेफ्ट हैंड से वो टाई करेंगे, करके पकड़ेंगे और जो राइट हैंड है उसको जस्ट अपने बैक पे लेके जाएंगे और पूरा हम लोग टर्न करेंगे बॉडी को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने 10 सेकंड होल्ड किया है लेकिन आप लोग इसको 20 सेकंड होल्ड कीजिएगा, ये जस्ट मैं आप लोग को दिखाने के लिए कर रही हूँ। इसी ना इसको मैंने टर्न किया वापस, कस के पकड़ लिया और जस्ट बॉडी को पीछे की तरफ, ये हमारी बेली फैट कम करने में बहुत अच्छा आसन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा 10 हो गया। अब हम लोग करेंगे नौकासन। नौकासन में हम लोग 20 से लेके 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। पहले देख लिए कैसे करना है, ये हमारे बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, जो बिगनर्स है वो जैसे हमारा टोटल का जो इन होगा और जो बिगनर्स है वो ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं और जो लग रहा है कि हम पकड़ के होल्ड कर पा रहे हैं तो जस्ट हाँ और ऊपर की तरफ देखना। इसको भी हम लोग 20 से लेके 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20। ये भी मैंने 20 किया, आप चाहो तो 20 भी कर सकते हैं और 30 सेकंड भी बोल कर सकते हैं लेकिन सबका आपने दो दो बार रिपीटेशन कीजिए। नाउ हम लोग लेट के दिखाते हैं। सबसे पहले करेंगे हम लोग पवन मुक्तासन जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। पहले एक लेग को हम लोग अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे और धीरे धीरे अपने नाक को टच करेंगे जिससे हमारे लोअर बेली पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax। फिर दूसरे लेग से 10 times। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax। ये मैंने 10 किया है लेकिन आप लोग को 20 करना है। अब both leg and hold। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड एक्सेल करते हुए रिलैक्स और हाथ को सीधा करेंगे और उठ के बैठेंगे। ये भी हम लोग करेंगे 20-20 का दो बार रिपीटेशन करेंगे। 20 टाइम्स आप लोग को होल्ड करना है और उसको दो बार आप लोग रिपीट कीजिएगा। जितना आप लोग रिपीटेशन करेंगे आप लोग को बॉडी में उतना ही अच्छा फायदा मिलेगा। एक लास्ट और मैं दिखा देती हूँ। लास्ट हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में देखिए क्या करना है, मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। सामने को जैसे हम लोग हाथ को अपना बंद कर लेंगे मुट्ठी में और अपने टेबल के पास हाथ को रखेंगे और एक्सहेल करते हुए हम लोग डाउन होंगे और इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे। एक याद रखिएगा जब हम लोग नीचे जाएंगे तो हमारी ब्रीथ हो जाएगी एकदम नॉर्मल, जैसे कि पहले इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम लोग यहाँ पर आ गए, हमारी ब्रीथ हो जाएगी नॉर्मल। नॉर्मल ब्रीथ लेंगे और 20 से लेकर 30 सेकंड तक हम लोग होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
60, 70, 80, 90, and 20 Inhale up. ये हो गए हमारे सारे बेसिक आसना। जिस तरह से मैंने आसन की है उसी तरह से आपको जैसे होल्डिंग वैसे बताया मैंने, वैसे वैसे आप लोगों को होल्डिंग करना है। जब हमारे पूरा आसन जब कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करेंगे साइड पोज, जैसे हम लोग हाथ पर गिरेंगे और नीचे जाकर पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। Now relax. और अगर आप लोग को और भी रिलैक्स होना है तो आप लोग प्राणायाम भी करके इसको और रिलैक्स कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी एक तो प्राणायाम का वीडियो भी लेके आ रही हूँ कि आफ्टर एक्सरसाइज आफ्टर योगा करने के बाद 10 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए डेली। जब भी आप लोग योगा करेंगे उसके बाद 10 मिनट प्राणायाम, क्योंकि योगा से हमारा एक्सटर्नल बॉडी टोन फैट लॉस ये हो रहा है, और डेली प्राणायाम करने से क्या होता है हमारे इंटरनल बॉडी भी डे बाय डे बहुत अच्छा होता जाता है। हमारे अंदर में जो भी बीमारी है धीरे धीरे वो क्योर होती जाती है। तो रेगुलर हम लोग को योगा और प्राणायाम अपने रूटीन में लेके आइएगा, देखिएगा आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसी तरह मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, आपको जरूर देखिएगा और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करिएगा मेरे को, और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।